में कार्ड मिल रहा है, यह कार्ड नहीं खोऊंगी मैं, ये कार्ड है और आई थिंक हाँ टिकट हुई है हमारी 2000 की पूरी और फिर हम जाएंगे इस टिकट के बलबूते पे ऊपर, तो चलते हैं। कितनी भीड़ है यार, हाँ यार 2000 का नोट है। ओके थैंक यू मित भैया हमें गाइड करने के लिए। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, बैठना किस पे? ओ भाई भाई साहब यार लाइन लगानी है और ईशा किस में बैठ के जाना है फटाफट। चलो चलो अब फाइनली गाइस सारे के सारे जा रहे हैं। इधर आओ, ये वो देता यहाँ में दे, टिकट कहीं देखो सारे कैसे कैसे बैठ रहे हैं और हम भी बैठेंगे यहाँ पर, सबको बिठा रहे हैं इसके अंदर, देखते कौन कौन जा रहे हैं इसमें। ऑलमोस्ट हमारे आधे लोग वहाँ पर बैठ चुके हैं और अब शायद दूसरी वाली आ रही है, उस पर हम बैठ गए शायद। सो फाइनल, अरे रुपी आओ आओ आओ, अरे चलो 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 जल्दी। हम सारे बैठ चुके हैं पर ऑलमोस्ट। मारो आज भैया, ये हम चल पड़े सही लग रहा है, हिमालय के पर्वत ही लग रहे हैं ये तो। हिमालय के पर्वत हिंदी में, ये भैया इंग्लिश हिंदी दोनों में बनावे हैं जो निकल जाता दीदी वही बना लेती हूँ, वही बोल लेती हूँ। अभी तो बहुत ऊपर जाना है यार, अभी कितना ऊपर जाना भैया? बहुत ऊपर, आधा घंटा का रास्ता बैठ के। अच्छा आधे घंटा वो सबसे ऊपर तक जाने के लिए? भाई साहब और का तो 2 मिनट। ओ भाई फाइनली आ गए पूरी ऊपर तक, आ गए अभी ऊपर तक नहीं आए अभी भी भैया ना, बहुत ऊपर जाना। अच्छा अभी तो यहाँ रुकेंगे फिर उसके बाद चेंज करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उतर रहे और अपन चेंज करा दे ना, रुको भाई मेरे लिए। अरे यार चलो 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 चेंज करो फटाफट। किस में जाना दीदी, किस में जाना दीदी? Yeah! हम आ गए स्नो में दीदी, एक्साइटमेंट फुल ऑन। अभी हम आधे पर्वत पे ही पहुंचे और आधे पर्वत पे इतनी ज्यादा स्नो है कि पूछो मत, अभी और भी ऊपर जाना है हम लोगों को और यहाँ पर आके इतना मस्त लग रहा है और अभी और ऊपर जाएंगे तो क्या ही होगा। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे वैसे वैसे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, पर कोई बात नहीं यार, अब पहन ओढ़ कर हम आए हैं। अभी अभी सब यहाँ पर फोटोज वोटो खिंचवा रहे हैं उसका, फिर भैया कितने स्टेजेस आएंगे अमित भैया? 2 स्टेज और इसके बाद एक ये और। अच्छा अभी 2 स्टेजेस और आएंगे, अभी हम उसमें आए थे फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, पूरे 3 लेवल है और हम पर्वत के सबसे ऊपर जाके रहेंगे क्योंकि हम इंडियंस हैं। हाँ दिखा रही हूँ और ज्यादा वहाँ से देख सकते हैं आपकी, वहाँ पर पूरा वो लंबा रास्ता है तो वहाँ पर कम से कम 2 बार शायद हमें चेंज करनी पड़ेगी और उसके बाद हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। फाइनली गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी सेकंड स्टेज पे, यहाँ पर ऐसे शायद मे भी ऐसे बैठते हैं सारे के सारे, तो शायद ये भी तो और भी तगड़ा होगा, मैं तो पहली बार ही एक्सपीरियंस करूंगी। ये वाला आ चुका है, इसको मैं बैठना है। अरे यार हाँ फोन नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई अरे लगी है यार, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow। यार हमारा पहला एक्सपीरियंस हो रहा है भाई, बहुत ही सही लग रहा है। Okay, say hi. Hi.
आ गया हाय रात कर आपने भाई ये देखिए व्यू देखिए भाई जी ऐसे सुपर आते यार और सुंदर व्यू जाता है पार करने वाले इस ठंड की उसके बाद आएगी थर्ड स्टेज जब ये इतनी ऐसी तैसी कर रही है तो वो वाली कितनी ज्यादा दर्दनाक होगी दर्दनाक बस पहुंच जाए सही सलाह तो ऊपर तक और आ जाए वापस चश्मे यार ठंड भी लग रही है देख सकते हो मेरा पूरा चेहरा लाल हो चुका है बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है हाय गाइस मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं बहुत ज्यादा ठंड है बहुत ज्यादा ठंड है ये बहुत गलत फहमी है कि हाँ सूरज निकल रहा है सूरज वूरज कुछ नहीं है धोखा है बस बहुत ज्यादा ठंड लग रही है बस जल्दी बोले नहीं जा रहा मेरे से तो कुछ भी यार मनीष मेरे को मत देने में मत जाना क्या कहते थे मनीष दीदी की कहूंगी देखो मेरी शक्ल आंखों में से आंसू निकल रहा है नाक पूरी लाल हो चुकी है मजा तो आ रहा है व्यू देखने में पर जो हालत खराब हो रही है ठंड में मैं बता नहीं सकता आपको दिखाती हूँ अपनी वेबसाइट का बस मेरा फोन ना गिरे हाँ दीदी भाई बर्फ ही फाइनली हम सेकंड स्टेज पे हैं और देखो वहाँ पर जो दिल बना हुआ लिखा हुआ दम्बई और लिखा हुआ कौन सी कितनी मिले 3008 ही क्या बोलेंगे इसे 3008 ही बोलेंगे ना 3008 कि हम फीट सॉरी 3008 की अरे यार मेरे को बोलना क्यों नहीं आ रहा 3008 फीट ऊंचाई पे हैं हम लोग अब सही बोला मैंने 3008 फीट की ऊंचाई पे हैं हम लोग और यहाँ पर इतनी ठंड हो रही है ना मतलब बर्दाश्त से बाहर है वो देखो दीदी अपने क्यूट क्यूट फोटो खिंचवा रही है खिंचवाई दीदी ने सारी सारी फोटो और अभी हम थर्ड स्टेज पे जाएंगे और वहाँ पर कितनी ठंड होगी पागल डरा दिया अब हम फाइनली आ गए थर्ड स्टेज पे मतलब हम अब सबसे ऊंचा मतलब सबसे जो ऊंचा का वो है पर्वत है वहाँ पर जाएंगे पहाड़ है वहाँ पर जाएंगे और अभी ठंड में ऐसी हो रखी है तो उतनी और ऊंचाई पे जाके कैसा होगा आपको दिखाती हूँ कितनी और कितनी ऊंचाई पे हम लोग जा रहे हैं आप वहाँ जो छोटा सा घर दिख रहा होगा हमें वहाँ तक जाना है और देखो कितनी ऊंचाई है अरे और हवा भी बहुत ज़्यादा चेंज चल रही है और हर जगह बस बर्फ ही बर्फ है भाई गाइस फाइनली हम थर्ड स्टेज पे आ चुके हैं आप देख लो हम बादलों के बीच में ऑलमोस्ट आ चुके हैं चलो ना चलो नहीं जा रहा कसम से तो गाइस हम बादलों के बीच में आ चुके हैं और इतनी ठंड लग रही है कि बोला भी नहीं जा रहा बिल्कुल हाँ बार बार कितनी ठंड लग रही है और हम पूरा बादलों में ढका हुआ है पूरा इलाका देखो हम सबसे ऊंचाई पे सबसे ऊंचाई पे और बोला भी नहीं जा रहा बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बहुत ही ज़्यादा तो गाइस जैसे अब बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो हमसे और ज़्यादा भी रुका जा नहीं रहा है क्योंकि हम ऑलमोस्ट पूरा बादलों के बीच में इसीलिए और तो अभी हम नीचे जा रहे हैं वापस क्योंकि अब नहीं हो रही ठंड बर्दाश्त तो मैं आपको यहाँ से नीचे का व्यू दिखा देती हूँ हम कितनी ज़्यादा ऊँचाई पर हैं रुको मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फ़ोन ना गिर जाए दिखाने के चक्कर में मुझे तो हीट लग रहा देख सकते हो आप हम कितनी ज़्यादा ऊँचाई पर यहाँ से शायद रोहित भी कुछ लेंगे तो फिर उसके बाद हम चलेंगे शायद और नीचे जाएंगे क्योंकि अब हम सेकंड स्टेज पे सारे के सारे थोड़े से हमने पेस्ट्री है और कॉफी दिखा दे यश
बेटा अभी हमारी कॉफी आ रही है, हाँ से आ रही है मेरी कॉफी। दो और सदाई जहाँ खाना पीना चल रहा है देख सकते हैं आप। अरे मैं हमने सब पी लिया, खा पी लिया है, तो अब जाते हैं, अब वापस हमें जा रहे हैं अब अपने हॉस्टल कह रही रेस्टोरेंट। अरे यार फाइनली हमारी कॉफी वॉफी सब हो गई है और हमने खाना पीना भी सब खा लिया है। भालू के साथ भालू अपनी, अरे मैं भालू, अरे भाई वापस नीचे फिर उसके बाद जाते हैं अपने लोकेशन पे। अच्छा, तू समझाएगा व्लॉगर को? है जी आता तो ठहरा। अब हम यहाँ देख ले छोटी सी लड़की यहाँ तेरी मार गई। तो अब हम जा रहे हैं और इस भालू को भी बाबे कर देते हैं। देख रहे भालू, भालू बाय बाय बोलो। अरे बोल बे, ये कुछ नहीं बोल रहा कोई बात। अरे तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने फ्लैट। अरे बाहर निकलते ही ठंड, अलग ही ठंड है। ओहो कपिल बे स्मार्ट लग रहे हो। रियली गाइस अब हम वापस आ चुके हैं और भाई ये जो बर्फ वाला एक्सपीरियंस है ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अभी जा रहे थोड़े फ्लैट, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और वहाँ इतनी ठंड थी। तो अब थोड़ा सा ऐसे हो गया कि बिल्कुल वो अब जाके बस ऐसे थोड़े तो मैं थोड़ा बहुत आराम आराम करेंगे और फिर उसके बाद हमने शायद आई थिंक सो जो मशहूर का जिसमें हम आए थे वही वापस हमने बुला रखी है। तो आई थिंक सो वो रात के 8 बजे आएगी। तो उससे पहले थोड़ा आराम वराम कर लेते हैं, आराम वराम करके जब आ जाएगी मशहूर का तो फिर वापस चले जाएंगे। पर बहुत ही मज़ा आया, पैसा वसूल थी जो ट्रिप थी हमारी, पैसा वसूल थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और इतना इन्जॉय करा हम लोगों ने, इतना इन्जॉय करा हम, मतलब अभी तो मैं थक गई और मेरे ना गले में भी दर्द होने लगी। अब हम वापस जा रहे हैं अपने स्टेवरोपोल और लाइक हम यहाँ पर आए, हमने बहुत घूमा फिरा, बहुत इन्जॉय करा, बहुत ज़्यादा मस्ती करी और इतना थक गए हैं ना बहुत ज़्यादा, अब तो बॉडी पूरा बॉडी पेन हो रहा है मेरा भी। अब बस मशहूर का वेट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, पता नहीं आई थिंक 10 to 20 minutes में मशहूर का भी हमारी आ जाएगी। बस फिर तो बैठ के अब हम करते हैं बाय बाय दुबई को। और मतलब मेरे को ज़्यादा मेरा मन भी नहीं कर रहा यार ज़्यादा बोलने का क्योंकि ना मैं थकी हुई हूँ और मेरी आँखें मतलब देख रहे हो गए आप, आँखें बिल्कुल ऐसी हो रही है, नींद नींद सी हो रही है। तो अब मैं करती हूँ, अब विदा लेने का वक्त आ चुका है इस दुबई से और आपसे भी। तो बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के लिए। प्लीज शेयर सब्सक्राइब लाइक फैला दो फैला दो दुबई वाले को, वायरल वायरल कर दो, वायरल कर दो। तो स्टे वेल्दी, स्टे हेल्दी, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।